अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके पास रमजान स्पेशल में नई एक रेसिपी लेके आई हूँ गोभी के पकोड़ों की। तो किस तरह से ये मजेदार से गोभी के पकोड़े आप घर में रेडी करेंगे क्रिस्पी से, आइए देख लेते हैं। जी तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप ये बेसन है, 1 कप मैदा है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा व्हाइट सा, ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा लिया है, ये तकरीबन है 1/4 टीस्पून ये लिया है। इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे जिनमें ये देखिए, ये मैंने ले लिया है सफेद वाला जीरा 1 टीस्पून। यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है क्रश किया हुआ है थोड़ा सा मोटा मोटा सफेद वाला धनिया है साबुत, उसको हल्का सा क्रश किया है। दड़ा मिर्च ली है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है भर के, दड़ा मिर्च भी लिया है 1 टीस्पून भर के, और ये लाल मिर्च पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है। नमक मिर्च आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया करें, कम या ज्यादा जो आपको पसंद हो। नमक लिया है 1 टीस्पून और यहाँ पे मैंने ली है अजवाइन 1/2 टीस्पून ली है। तो ये सारे मसाले भी इसके अंदर जाएंगे इस तरह से, ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर इसको इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको पानी डाल के घोल लेंगे। आपको बताती हूँ कितना गाढ़ा आपने घोलना है। इस तरह से मिक्स किया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह इसको हमने गाढ़ा सा इसका ये बनाना है मिक्सचर। देखिए इस तरह से आपने बहुत इसको पतला नहीं करना, जरा इस ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होगी इसकी, इस तरह से ये देख रहे हैं आप, इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना आपने, यूं इस तरह से इतना गाढ़ा इसको होना चाहिए इस तरह से। बहुत अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है, ये बस ये हो गया मिक्स, कोई लम्स नहीं है इसमें। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे और उसके बाद हम मिर्ची फ्राई करेंगे। इस बैटर के साथ आप मिर्चे फ्राई कर सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं। ये बेसिक मैंने आपको जो है इसका जो बनाने का तरीका ये बता दिया है। इसमें चाहे तो आप, अगर आपने बैंगन फ्राई करने हैं वो भी काट के इसमें आप डिप करके कर सकते हैं, कुछ भी आपने करना हो। ये बेसिक मैंने आपको इसका ये बता दिया कि किस तरह से आपने ये मिक्सचर बनाना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने ये गोभी ले ली है इस तरह से, ये समझ लें कि इसको बहुत बारीक नहीं काटना, इस साइज की आपने इसके फूल ये काट लेने, तकरीबन ये कप में होगा तकरीबन 1.5 कप होगा, और एक आपने मीडियम साइज की प्याज लेके उसको स्लाइस इस तरह करके रख लेना है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं जाएगा। एक मैंने हरी मिर्च है जो कि मैंने बेसन के अंदर ही काट ली है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से ये देखिए जो बेसन का मिक्सचर है जो उसके अंदर ही ये इस तरह से आपने इस गोभी और प्याज डाल देना है ज्यादा, और इसके अलावा आपने कोई चीज नहीं इसके अंदर ऐड करनी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। अब हाथों की मदद से इसको घोल लें। अगर आप मिर्चें और थोड़ी सी खाना चाहते हैं, मैंने थोड़ी सी और ऊपर डाली है क्योंकि हम जरा थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, बस इसको मिक्स करके आपने इस तरह रख लिया है। और फिर फ्राइंग पैन में अब मैं तेल गर्म करने रखा हुआ है, उसके अंदर इनको फ्राई कर दूंगी। थोड़ा सा इसको 2 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर 5 मिनट तकरीबन 2-3 मिनट के बाद मैं इसको फ्राई करके आपको बताती हूँ। अच्छा, इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने इस तरह से थोड़ा सा इसका यूं लेना है जैसे एक फूल पकड़ा है, थोड़ा सा प्याज भी बीच में आ जाए आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से आपने ये अंदर डालते जाना है, एक फूल और थोड़ा सा ये मिक्सचर आपने हाथ में लेना है इस तरह से, इस तरह बहुत ज्यादा आपने नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा सा पकड़ना है बैटर जिसमें कि एक फूल आ जाए। गोभी के पकोड़े जो हैं बहुत कम बनते हैं, लोग ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। तो आप जब एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे, आपने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है, बहुत मज़े के ये बनेंगे इस तरह से। टिप्स को फॉलो किया करें, टिप्स यही है कि आपने जैसे जब भी फ्राई पैन में ये तलने के लिए चीज़ डालें तो उसी वक्त चम्मच नहीं हिलाना, आपने कुछ देर के लिए इसको वैसे ही रहने देना ताकि ये सेट हो जाए, और उसके बाद आपने फिर ये इसकी साइड चेंज करनी है। तो जितनी जगह हो आपके फ्राइंग पैन में उतने डाल दीजिए आप। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए, अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ इस तरह से।
आपने इनकी साइड बदल दी है। बहुत ध्यान के साथ, थोड़े से मैंने गुंजाइश से ज़्यादा डाल दिए। बहरहाल आप अगर हैंडल कर सकते हैं तो आप डालिए, वरना आप उतने ही डालें जितने आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से सारी साइड बदल दे दी है आपने, तो देखिए ये अच्छे से बन रहे हैं, पक रहे हैं। बस दो तीन मिनट से और मैं इसको दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। देखिए दोनों तरफ से बेहतरीन से गोल्डन हो गया। अब मैं इसको छन्नी में निकाल देती हूँ और फिर जब ऑयल खुश्क होता है तो फिर आपको इसकी फाइनल शक्ल पे दिखाती हूँ। जी तो देखिए तैयार हो गए हैं हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी गोभी के पकौड़े। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले फ्री में आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।